Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gaur Publishers. Our slogan is Redefining the Geography of Education through a Digital Resource for Conceptual Learning. My name is Asif Amin Khan, and today we are going to discuss Gaur Skill Up Mathematics Series Grade 4. And the unit is 1. The title of Unit 1 is Numbers and Operations. Number and Operations mein aaj ka jo hamara pehla topic hai, wo hai 6-digit numbers. 6-digit numbers ke baare mein isme hum padhenge. सिक्स डिजिट नंबर्स आर दोस नंबर्स, कहते हैं सिक्स डिजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं डेट स्टार्ट फ्रॉम, जो कि स्टार्ट होते हैं, ये देखें, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, डेट स्टार्ट फ्रॉम हंड्रेड थाउजेंड एंड एंड्स एट 999,999. यहाँ पे ये एंड होंगे. वी हैव ऑलरेडी लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइव डिजिट नंबर. हम पाँच डिजिट नंबर का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं. डेट इज, देखें इसको भी कैसे पढ़ते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, टेन थाउजेंड टू नाइन्टी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन. नाउ वी मूव टू स्टेप अहेड. अब हम एक स्टेप आगे मूव करेंगे एंड लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ वन हंड्रेड थाउजेंड. और इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वन हंड्रेड थाउजेंड. वी नो डैट, हम जानते हैं द स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर इज, स्मॉलेस्ट फाइव नंबर डिजिट इज 10,000 है और ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर इज 99,999 है. वो कहते हैं जब हम इसमें एक नंबर और ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 100,000 हो जाता है, जिसको हम कहते हैं 100,000. रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स यूजिंग प्लेस वैल्यू चार्ट. वो कहते हैं कि हम कैसे नंबर्स को रीड कर सकते हैं और उसको राइट कर सकते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट को यूज करते हुए. देखें, द वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजिशन और प्लेस इन अ नंबर. कहते हैं किसी भी नंबर की वैल्यू, किसी भी डिजिट की वैल्यू उसकी प्लेस वैल्यू से पता लग रही है कि उसकी क्या वैल्यू है. द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 16,493. व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंड वर्ड फॉर्म. वो कहता है बताएं इसका स्टैंडर्ड क्या है और इसका वर्ड फॉर्म क्या बनता है, जो कि पॉपुलेशन आपको बताई गई है. देखें, वी कैन राइट इन द स्टैंडर्ड एंड वर्ड फॉर्म विद द हेल्प ऑफ अ प्लेस वैल्यू चार्ट. कहता है इसको प्लेस वैल्यू चार्ट के साथ हम लिख सकते हैं एज शोन, जैसे कि शो किया हुआ है. वो कहता है वन इज एट 10,000. वो कहता है वन जो है इसका ये वाला, ये 10,000 प्लेस पे है, सिक्स वाला इसका 1,000 प्लेस पे है, फोर वाला इसका 100 प्लेस पे है, नाइन वाला 10 प्लेस पे है और थ्री वाला इसका वंस प्लेस पे मौजूद है. ईच ग्रुप ऑफ थ्री डिजिट इज कॉल्ड अ पीरियड. कहता है जो तीन डिजिट का जो ग्रुप होता है वो एक पीरियड कहलाता है. जो पहले तीन डिजिट है वो वंस का पीरियड कहलाता है, जो अगले तीन है वो थाउजेंड्स का पीरियड कहला रहा होता है. वो कह रहे हैं इन नंबर लार्जर देन 999, वो कहता है 999 से जो लार्जर नंबर होगा यूज अ कॉमा, कॉमा के जरिए हम उसको यूज करके सेपरेट कर देंगे उसके पीरियड से. वो कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसको लिख सकते हैं 16,493. ठीक है, तो ये 16,493 पता जाएगा. एग्जाम्पल दी हुई है, वो कह रहे हैं कि 500,020 इन वर्ड फॉर्म विद द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू चार्ट. कहते हैं इसको प्लेस वैल्यू चार्ट के जरिए लिखें. तो देखें इन वर्ड्स ये क्या आ गया, 500,000 और इसका जो जीरो इन 10,000, जीरो इन 100,000 एंड जीरो इन हंड्रेड एंड टू इज टू टेंस और 20 के, मतलब ये इधर जो टू है टेंस प्लेस पे वो टू है और आगे फिर क्या गया, इधर जीरो आएगा. क्यों, क्योंकि जीरो वंस और जीरो, कहते हैं इधर वंस प्लेस पे इसका क्या है, जीरो. तो इसको हम चार्ट में इस तरीके से शो भी कर देंगे और इसको हम पढ़ेंगे क्या, 500,020. इसी तरीके से इसकी कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हुई हैं तो वो हम देख लेंगे. एक्सरसाइज के ऊपर मूव करते हैं. एक्सरसाइज में वो कह रहा है कि राइट द प्लेस ऑफ द ब्लू डिजिट देन राइट इन इट्स वैल्यू. वो कहते हैं ब्लू डिजिट पे जो है उसका पहले डिजिट लिखें, जो ब्लू डिजिट है उसकी प्लेस लिखें और फिर उसकी वैल्यू भी लिखें. देखें ये क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट वन में वो कह रहे हैं 6541. जी तो ये देखें कि इसमें जो सिक्स है वो ब्लू है, तो ये जो सिक्स है ये कौन सी प्लेस पे है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड. सिक्स सिक्स इज एट थाउजेंड्स प्लेस और यहां इसकी वैल्यू क्या है, 6,000. इसी तरीके से हम इसका कोई और क्वेश्चन उठाकर देख लेते हैं. लेट्स सपोज हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. 495638, इसमें हमसे वो पूछा फोर की प्लेस वैल्यू. ये देखिए ये पीरियड्स जो है, ये किसका पीरियड है, मंथ्स का पीरियड है या टेंस का पीरियड है, वन, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, ये हंड्रेड थाउजेंड है. तो ठीक है, फोर इज एट हंड्रेड थाउजेंड
प्लेस, 100,000 प्लेस पे फॉर, और इसको हम लिख कैसे सकते हैं, फॉर 100,000, ठीक है। तो इसको हम इसी कैसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है राइट द फॉलोइंग द स्टैंडर्ड फॉर्म, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख देना है। तो क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट वन देखते हैं, 904, तो 904 को हम कैसे लिख सकते हैं। लेट्स सपोज का क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं, वो कह रहा है 521,112, तो इसको हमने इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। लेट्स सपोज कोई और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, 401,000, ठीक है, 401,000, आगे लिखा हुआ है 18, 100 प्लेस पर क्वेश्चन है, तो ये क्या आ जाएगा 18, तो इसको हम इसी के से इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं, उसमें कह रहा है राइट द फॉलोइंग डिजिट इन द वर्ड्स, जो डिजिट थी मैं इनको वर्ड्स के अंदर हमने लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में कह रहे हैं 762, तो ये क्या होगा, 1 and 762, ये हमारा आंसर होगा। लेट्स सपोज हम कोई और इसका पार्ट देख लेते हैं, 14 देख लेते हैं, 14 में वो क्या कह रहा है, यूनिट एंड 100,000, 10,000, 100,000, इट मींस 748,295। इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट रिजॉल्व कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लेक्चर आज अच्छे से समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह लेक्चर से मुलाकात होती है। गौर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।